हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर का है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। कंसिडर द सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। तो ये जो है अपना सन है ना, और ये जो अर्थ है। अब लिख ही दिया है कंसिडर द सर्कुलर मोशन। अब देखो बहुत लोगों को लगता है कि सन के अराउंड अर्थ तो इलिप्टिकल पाथ में जाती है। ये फैक्ट भी है कि भाई अब क्या होता क्या है ना, बचपन से अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और उसमें अर्थ का पाथ ऐसा दिया हुआ रहता है बिल्कुल, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा एलिप्टिकल होता है वो। पर रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में अर्थ की जो मैक्सिमम दूरी फ्रॉम द सन होती है वो 152 मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है ना, मिलियन किलोमीटर। और जो मिनिमम दूरी होती है वो 148 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो हल्का सा एलिप्टिकल पाथ होता है अर्थ का, पर डायग्राम में शो करने के लिए उसको अपन बहुत ज़्यादा हाईली हाईली एलिप्टिकल दिखा देते हैं। ये फैक्ट नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है ना। हल्का सा एलिप्टिकल होता है बस, ठीक है। तो अपन उसको क्या कर लेते हैं, लगभग सर्कुलर मान लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कंसिडर द सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ लिखा हुआ है। नाउ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन ऑन द अर्थ। अब इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। तो पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट को। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन ऑन द अर्थ इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। दूसरा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन ऑन द अर्थ इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो भाई, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है समझो। वह फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। अब वो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है, वो फ्रिक्शन भी हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बस शर्त ये है कि वो कहाँ लगना चाहिए, टूवर्ड्स द सेंटर। और अगर वही फोर्स इस बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है तो दैट फोर्स विल बी नोन एज दी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है पहले स्टेटमेंट में, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन इज इक्वल टू द सेंट्रिपिटल फोर्स। ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट ज़्यादा क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज दी सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इस केस में जो अर्थ और सन के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। तो बी स्टेटमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, ए भी सही है। जब वही सेंट्रिपिटल फोर्स है तो उसकी वैल्यू तो बराबर होगी सेंट्रिपिटल फोर्स के। जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही सेंट्रिपिटल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वैल्यू सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगी होगी। ये बात बिल्कुल सही है, पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बी है, ठीक है। तो बस यही पूछा था इसमें, है ना। तो थैंक यू।